मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में बहने वाली चंबल नदी के किनारे बसे 40 से ज्यादा गांवों में बाढ़ का खतरा पूरी बरसात के समय बना रहता है। जब नदी खतरे के निशान से ऊपर आ जाती है तो यह गांव जलमग्न हो जाते हैं, लेकिन चंबल में बाढ़ आए बिना भी बारिश का सीजन इन गांवों के लिए मुसीबत भरा रहता है। गांवों में कीचड़ और जल भराव से जनजीवन किस तरह प्रभावित होता है यह देखना है तो रिठोरा खुर्द ग्राम पंचायत के कंसाना का पूरा गाँव का हाल देखिए, जहाँ घुटनों तक गहरे कीचड़ से निकलकर ही गांव में आ जा सकते हैं। चंबल नदी किनारे बसे कंसाना का पूरा गांव की 300 से ज्यादा आबादी है। गांव की सड़कें कच्ची हैं, जो बारिश से कीचड़ का दलदल बन गई है। चारों ओर जलभराव के कारण पानी ही पानी और कीचड़ है। ऐसे में इंसानों से ज्यादा मवेशियों की फजीहत हो रही है। पानी में रहने के कारण मवेशी के पैर गल जाते हैं, इसलिए कई ग्रामीणों ने अपने मवेशी जंगल में छोड़ दिए हैं तो कुछ ने दूसरे गांव में अपने रिश्तेदारों के यहाँ बांध दिए हैं। वहीं घर से बाहर निकलने पर ही कीचड़ में पांव पड़ते हैं, इसलिए महिलाओं ने पांवों में तोड़ियां पायजेब तक पहनना बंद कर दिया है, क्योंकि कीचड़ भरने से पांवों में खुजली व जलन की शिकायत होती है। मुख्य सड़क पर घुटने तक कीचड़ है, इस कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। सड़क की हालत ऐसी हो जाती है कि बच्चों को कंधे पर बैठाकर एक से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है। ग्रामीणों द्वारा बताया गया है कि किसी प्रसूता या बीमारी के लिए एम्बुलेंस या जननी वाहन भी गांव में नहीं आती, बीमार को ट्रैक्टर ट्रोली से गांव के बाहर ले जाते हैं, जब वहां से दूसरे वाहन से अस्पताल जा पाते हैं। करीब 20 साल से हर बारिश में यही समस्या झेल रहे कंसाना का पूरा गाँव के ग्रामीण अपनी समस्या मंत्री व सांसद से लेकर विधायक तक को बता चुके हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान किसी ने नहीं किया। इस कारण गांव में जनप्रतिनिधियों के आलिए आक्रोश भी हर चेहरे पर दिखाई देता है। वहीं गांव के पूर्व सरपंच महेंद्र सिंह गुर्जर कहते हैं कि जब 2004 में वह सरपंच बने थे, तब एक खरंजा बनवाया था, एक मंगल भवन बनवाया, उसके 20 साल से किसी सरपंच ने गांव को कीचड़ से मुक्ति दिलाने का काम नहीं किया। पूरे गांव में पानी भरा रहता है, कहीं बैठने की जगह नहीं है, बीमारी फैलने का खतरा रहता है। गांव के युवा विनोद कुमार गुर्जर कहते हैं कि पानी का निकास नहीं है, इसलिए घुटनों तक कीचड़ हो रहा है। 20 साल से यह समस्या है। बारिश के सीजन में बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। गांव के बुजुर्ग महिला सोमूबाई द्वारा बताया गया है कि सबसे ज्यादा मवेशी की परेशानी हो रही है। हमने तो पांव से तोड़ियां उतार दी है, क्योंकि कीचड़ भरने से खुजली होती है। कीचड़ के कारण बच्चे स्कूल नहीं जाते, गेहूं पिसवाने के लिए ट्रैक्टर ट्रोली से जाना पड़ता है, मोटरसाइकिल से भी नहीं निकल पाते। सुनिए क्या कहते हैं ग्रामीण। और कहाँ रहती हैं? मेरा नाम विनोद है सर, मैं रिठोरा खुर्द पंचायत से गोरखा का कंसाने का पुरा है। यहाँ पे बहुत दंदल हो रहा है, कीचड़ जाना हो गई है, गोटू गोटू जाना परेशानी है, पानी का निकास नहीं है। बच्चे पढ़ने के लिए आना काई देते हैं कि कीचड़ में हम क्यों जाएं, पढ़ने के लिए निकाल देते हैं, कपड़ों को खराब करके घर आ जाते हैं। और कई बार शिकायत भी कर चुके हैं सरपंच से, मंत्री साहब से भी, कह दी कोई करंजा नहीं है। यहाँ 20-25 साल से पानी की और कीचड़ की बहुत समस्या है यहाँ पर। यहाँ तो साहब इतनी आदमी लेटरिंग करने के लिए परेशान है, बहुत ज़्यादा समस्या है। घोटू घोटू औरतों को लेटरिंग करने के लिए नहीं गए यहाँ पे। अच्छा, क्या है? पूरे गांव है, यहाँ कहीं पैर धरने के लिए जगह नहीं है, पानी का निकासी नहीं है, घरों में पानी भर जाता है, गैल यहाँ पे नहीं है, खरंजा नहीं है, 25-30 साल से खरंजा नहीं है यहाँ। कितने? हाँ, कम से कम 30 घर के करीबन हो गए। Okay. कितनी आबादी होगी? आबादी कितनी की होगी? आबादी होगी तुम्हारी 350-300 के करीब। पानी की तो फिलहाल सुविधा है खेचू, लेकिन लाइट की और गैल की यही जाना सकता। कौन सी ग्रंथ? लेकिन एक बात, बरसात होती है तो यहाँ पानी इकट्ठा घरों में भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा समस्या है। घोटू घोटू दंदल है, करने के लिए गैल नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? अमासोन। अच्छा, कौन से गांव में रहते हो? गांव में क्या काम करना? गोरखा। क्या परेशानी है? जो परेशानी है का देखो जी, तो गति भैंसी पानी की रह गए, और देखो जो तोड़िया खड़े तो तारीख के बच्चा जी हमारे जो पड़ी हुई ना जा रहे, ब्याह डूडो रहे तो बच्चे ना कोने ना सुहा पाते, इतनी कीटानी इतनी कीचे। कैसे बच्चे पढ़ने जा पाते हैं कि नहीं जा ना जा पा रहे? कब से बच्चे हमारे जी रहे? कब से कीचड़ है इसमें? जी बहुत बाकी लागत थी।
नहीं आषाढ़ लागत से तो अभी हो क्या साल हो गए इसी तरह से आपको रहती रहती 20 साल है गई 20 साल हाँ 20 साल है तो कभी शिकायत विकायत नहीं की तूने तो हम पता कौन थे हम सरपंच अधिकारी से भेज डा डूर हो जाएगा भाई क्या आटे को मके रहने टेंडर भेज रही है काम में आटे पीछे के आवे साहब वाले जाम पत पत जा तो फिर कड़ता ना दूध चा चा दिन 10 दिन ना कड़े रहे अरे जा तो कैसे खाड़ के मोटरसाइकिल बच्चे ने ले जाए वो सोई रही ना मेरा नाम महिंद सिंह और मैं 2000 में 2004 में मैं सरपंच बनो जब ही मैंने इसमें खरंजा कराया और ये मनोरंजन भवन बनवाया उसके बाद में कई सरपंच बन चुके हैं उन्होंने यहाँ बिल्कुल मट्टी चलक नहीं डारी न खरंजा बढ़ाया न डारा और यहाँ बहुत कीचड़ घोंटू घोंटू और पानी भर रहा है आने जाने में बहुत असमर्थ हैं और बीमारी भी हो सकती है कहीं बैठ नहीं सकते हैं हमारी इतनी जगह नहीं है पानी के मारे यहाँ के हम 10 लोग कहीं बैठ के बतला लें और बैठें और बहुत समस्या खराब है बच्चे पढ़ाई लिखाई के लिए वो आने जाने में भी असमर्थ हैं क्यों कीचड़ और पानी भरी है यहाँ फिर खेत हैं वहाँ भी रास्ता नहीं है और मेरे बाद में कम से कम 4 ग्राम पंचायत में सरपंच बने उन्होंने तब से कुछ नहीं किया तब से मैंने 2003 में खरंजा बनाया 2004 में मैंने ये मनोरंजन भवन बनाया और मैं पंचायतों में काम कराए बहुत गंभीर यहाँ स्थिति रहती है बारिश में बहुत परेशान रहती है हम और मनुष्य के लिए तो बहुत पशुओं को तो हम जंगल में बांधते विधानसभा सुमावली है हमारे मंत्री साहब से भी कहा उन्होंने नहीं कोई बजट भेजा अब एक सरपंच बनाए उससे मन के चल तो हम ले चले मंत्री साहब कहते बजट दबांगे कौन है मंत्री का नाम क्या मंत्री एदल सिंह कंसाना जी है तो वो तो बीमारी का खतरा है कई कई बार बीमार भी हो चुके हैं यहाँ डॉक्टर भी आए मैं कार्यकाल में भी डॉक्टर आए हाँ पूरी ग्राम पंचायत में पशु और मनुष्य सबको बहुत तकलीफ भई है कैंप भी लगा रहा उसके बाद में फिर कौ सरपंच ने कुछ नहीं किया न कोई डॉक्टर बुलाया कई बार बीमारी पड़ चुकी है मैं हकीकत कह रहा हूँ कई बार पड़ चुकी है यदि ऐसी स्थिति है तो उचित नहीं कहा जा सकता पंचायत को विकास के लिए पैसे मिलते हैं और सरपंच को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए और सीओ ब्लॉक को देखना चाहिए मैं सीओ जिला पंचायत से भी चर्चा करूंगा इसमें उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि देखना चाहिए यदि गांव में कोई भी विकास कार्य हालांकि ये विश्वसनीय नहीं है हो सकता है हुआ हो बिगड़ गया हो सड़क लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति को उचित नहीं कहा जा सकता सर मैं सीओ जिला पंचायत साहब से रिक्वेस्ट करूंगा इसकी जाँच करा लें मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की यह रिपोर्ट।